जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर दरभंगा रेल लाइन के बीच पुल संख्या एक पर लगातार पानी के वृद्धि के चलते कई सारे ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है और कई सारे ट्रेनों को समस्तीपुर या फिर बरौनी या फिर मुजफ्फरपुर से ही चलाया जा रहा है। दोस्तों बताएंगे आज के कौन से ट्रेनें हैं जो बदले हुए मार्ग से चलेगी या फिर उसका आंशिक समापन और प्रारंभ कहां से किया जाएगा। दोस्तों इसी बारे में बात करेंगे। इससे पहले कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों यदि बात करें कैंसिल वाली ट्रेन की तो उसमें से पहली ट्रेन है ट्रेन नंबर 055354 जयनगर भागलपुर, कैंसिल रहेगी आज के दिन। ट्रेन नंबर 052483 जयनगर मनिहारी जानकी एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर 032526 जयनगर राजेंद्र नगर टर्मिनल। ट्रेन नंबर 032728 सहरसा राजेंद्र नगर टर्मिनल और ट्रेन नंबर 055890 समस्तीपुर दरभंगा। ये सारी ट्रेनें कैंसिल रहेगी, डाइवर्टेड रूट से चलेगी। इसमें ट्रेन नंबर है 02569 दरभंगा से न्यू दिल्ली, ये जाएगी वाया दरभंगा सीतामढ़ी रक्सौल सिकटा के रास्ते। गाड़ी संख्या 02545 रक्सौल से लोकमान्य तिलक टर्मिनल कर्मभूमि एक्सप्रेस, ये अभी सीतामढ़ी से चलने के बाद मुजफ्फरपुर के रास्ते समस्तीपुर जाएगी। ट्रेन नंबर है 03044 रक्सौल से हावड़ा के लिए चलने वाली द्विसाप्ताहिक एक्सप्रेस, यह भी आज के दिन सीतामढ़ी से चलने के बाद मुजफ्फरपुर के रास्ते समस्तीपुर होते हुए जाएगी। ट्रेन नंबर 05211 दरभंगा से अमृतसर के लिए चलने वाली जननायक एक्सप्रेस, यह भी दरभंगा से चलने के बाद सीतामढ़ी रक्सौल सिकटा के रास्ते निकल जाएगी। ट्रेन नंबर है 05656 श्री माता वैष्णो देवी कटरा से कामाख्या के बीच चलने वाली यह ट्रेन सीतामढ़ी से चलने के बाद मुजफ्फरपुर के रास्ते समस्तीपुर होते हुए कामाख्या के लिए जाएगी। अगली ट्रेन ट्रेन नंबर 03186 जयनगर सियालदह गंगा सागर एक्सप्रेस बरौनी से ही खुलेगी। ट्रेन नंबर 04049 जयनगर अमृतसर, यह भी समस्तीपुर से ही खुलेगी। ट्रेन नंबर 01062 जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल पवन एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर से ही खुलेगी। और ट्रेन नंबर 04651 जयनगर अमृतसर, यह भी मुजफ्फरपुर से ही खुलेगी। और ट्रेन नंबर है 07008 दरभंगा से सिकंदराबाद के बीच चलने वाली यह ट्रेन भी बरौनी से ही खुलेगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी ट्रेनों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद जय भारत।